तो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉली दामिस व्लॉग्स में। एंड आज उखियांग का चौथा दिन है एंड अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं मंदिर के लिए। और पहले मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं और मम्मा किसी काम में फंस गए थे। और अभी जब हम घर से निकले तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग अभी जा रहे थे और जो आज कायंग होता है मीन्स मेला, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड बाकी मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा क्या होगा आज, और तब तक के लिए आप मेरे इस पूरे व्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आज उखियांग का चौथा दिन है एंड आज उखियांग के चौथे दिन को दांग उखियांग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सभी लोग गोलंग कायंग करते हैं और इसमें हाथ खुले पकड़े जाते हैं, जिसमें लोग मंदिर के आसपास के गलियों में कायंग लगाते हैं। और जैसे आपने मेरे पीछे वाले ब्लॉग थर्ड पार्ट में देखा होगा, जब उषद को ले जा रहे थे तो उस समय जो लोग कायंग कर रहे थे तो वो लोग आज यही कायंग सेम यही कायंग करते हैं। एंड इसमें बस एक फ़र्क ये रहता है कि उस टाइम उनके साथ उषद थे और आज उषद नहीं है, क्योंकि आप पहले वाले व्लॉग में मेरे देख चुके हो कि उषद की विधि हो चुकी है, उन्हें थॉर्मिक किया जा चुका है। थॉर्मिक मतलब होता है उन्हें खोला जा चुका है। एंड आज का ये जो दिन है ये पूरा का पूरा इसी कायंग पर डेडिकेटेड होता है और सभी लोग आज गोलंग कायंग करते हैं। मंदिर का चक्कर पूरा करने के बाद अब ऐसे ही लोग कायंग लगाते हुए महासू देवता जी के मंदिर की ओर जाते हैं। तो ये रहा हमारे गांव के महासू देवता जी का मंदिर और यहाँ सभी लोग कायंग लगाते हुए देवता जी के मंदिर पर पहुँच चुके हैं। और अब थोड़ी देर कायंग यहाँ पर लगेगा और यहाँ कायंग लगने के बाद सभी लोग ऐसे ही कायंग लगाते हुए बारंग देवता जी के निरोल कोठी की ओर जाएंगे।
दोस्तों, महासू देवता जी के मंदिर का चक्कर पूरा करने के बाद अब सभी लोग ऐसे ही कायन लगाते हुए बारंग देवता जी के निरोल कोठे की ओर जाते हैं। तो ये रहा वो निरोल कोठी एंड मैं उनसे पहले पहुंच चुकी हूँ एंड मैं उनका यहाँ पर वेट कर रही हूँ। हमारे निरोल कोठी में अब नाटक खत्म हो चुकी है एंड अब हम वापस जा रहे हैं अब नाग जी के मंदिर।